बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं इधर जी बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, बनाने लगी हूँ मैं, और आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। इसमें मैंने काट लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, बना के रखा है, और रेड मिर्च, शिमला और ग्रीन, और चॉप किया है मैंने गाजर, और इधर मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया बंद गोभी, और मैंने गोश्त उबाल के रखे। अभी मैं उसको छोटा छोटा काट लूँ तो फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें, और ये ब्राउन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। और इधर मैंने चिकन को काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और अभी ये डाल दूँगी मैं, अच्छे से मिक्स करूँगी इसको मैं। इसमें बस अल्लाह करे सही बन जाए मेरे से, पहले मैंने बनाए थे एक दफ़ा, सही नहीं थे बने, मतलब आइडिया भी नहीं था इतना, और बनाने भी नहीं थे आते। इधर तक काम सही हो गया, मिक्सचर सही बन गया था, बस ना रोल नहीं थे रोल होते। इधर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में हम डाल देंगे सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ जी गाइस, अब इसमें डालेंगे हम क्रश की हुई गाजरें। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें। आपकी ज़्यादा चूल्हा नहीं जलना होना चाहिए, मीडियम रखा हुआ है, अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब जी गाइस, हम इसमें डाल देंगे, हमारे पास है दो कलर की मिर्चें, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ऐड है तो ऐड कर लें, नहीं तो अदरवाइज गाजरें हैं। चलो मैं इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, इसे मैंने एक मिनट तक बना लिया, इसको ज़्यादा नरम नहीं करना गाजरों को और इन चीज़ों को, क्योंकि जब खाएं फिर क्रंची भी आना चाहिए मुंह में, तभी मज़ा आता है। इसमें मैं ऐड करूँगी बंद गोभी, इसको ऐड करके तो चूल्हा ऑफ कर देंगे नीचे से, सब कुछ हमने गोभी का पानी नहीं छिड़वाना। और साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, और कोई भी मसाला डाल लें क्यूब का मैंने डाला है, ताकि सारी सब्जियों के लिए। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और बस चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया, मैं इसको मिक्स करके मिलती हूँ। हाँ जी गाइस, ये हमेशा रेडी हो गया हमारा, और हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर हम अपने स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ओके, दिस तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में, इतनी देर में बर्तन धो लो जो धोने वाले हैं, तो ये ठंडा होता फिर मिलते हैं। हाँ जी गाइस, बड़ा चंगा जाए जुगाड़ लाया मैं तुम्हें, वास्ते मैं कंडे थोड़ी मैं मैंने कहता कहीं मैं वीडियो कहीं बनावा, हाँ जी ऐसे पट्टियाँ नहीं दिया, इन्हें एंकल भी रख लिया, बड़ा जबरदस्त बंदे भी बंदा यकीन नहीं हो रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने रखा इतों जी को ना पकड़ के इन थोड़ा जोर ना कसया, इतों एंड फॉल्ड किया, सेंटर से जाके रुक जाने स्टॉप, इतों एंज करके इंज पा लेना, फिर इन एंज करके इंज पा लेना। ओके, फिर मैदा मैं को लिया इतने ला लेना कॉर्नर से, इन्हें इंज ला के सारे बना देने, फिर जी चलो जी तेरी है जी, ये बन गया स्प्रिंग रोल। हूँ मैं सारे बना देव, फिर हूँ यह पट्टिया ने सारिया नजर आ रही हैं, हम लगता मिक्सर थोड़ा अद्धिया बनाने अद्धिया फिर बना लगे। ओके, पिछले बार भाई लैगा इतनी बड़िया नड़पे दी बार, तो कोई पता ना कि बनानी है, दो मैं थोड़े सामने बनानी है, दूसरिया मैं बना के फिर मिलूंगी। ओके, क्योंकि इन फिर एक ही काम हो सकता है, या तो वीडियो बन सकती है, तो या फिर ये काम हो सकता है, ये पास हो गया, इन दबाव कर लेना, कर गए तो फिर इतने कोने तो खिंचना है इन्हें, इतों इंज 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 इतों इंज इतों इंज है तेरी है रोजे, इंज कर लेना, इतों इंज कर लेना, तो कोने तो ला लेनी है मैदा, मैदा अगर तुम उतना ही लेना जितना पानी उतना मैदा, अगर ज़्यादा घट बता है तो फिर लही कि मैदी बनी है, चिपक जाता सही, तो फिर पानी पानी हो जाना इन्हें सही बनना, क्या बात है, इन्होंने मैं कोई फ्रीज कराँगी तो कोई फ्रेश रंग ए मैं पाया जो तुम पिछले वीडियो तो देखे, चलो मैं जल्दी से बनाऊँ फिर मिलते हैं।
हाँ जी गाइस बन गए ने रोल फाइनली साइड थक गई हूँ मैं तो बड़ी ठंडी मैं बना बना के देखो कैसे बने ना जबरदस्त गाइस मैंने फ्रीज कर चला दी जरा सारे आज रोल कर लेने फ्राई हो मैं कर लेने वीडियो में तो मैंने फ्रीज कर करान दुनिया ना अच्छा इंद पैकेट हन ते आ नहीं ते मेरा प्ले करना है अभी तो जिना जिना फ्रीज करने वास्ते हन आने पापा ओ देखो ते ਅਜੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣੇ ਚਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੇਂਗੇ ਜੇ ਹਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਕੜੇ ਹੱਥ ਪਰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਓਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਰੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਗੀ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਦਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਬੋਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਦਾਲ ਵਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਪੀਠੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣੇ ਟਿੱਕੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਚਿਕਨ ਦਾਲ ਔਰ ਆਲੂ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਟਿੱਕੀਆਂ हाँ जी गाइस मैं इतने बना लगी टिक्कियां टिक्कियां बना के नाल फिर बर्गर बर्गरों वास्ते टिक्कियां चिकन मैरीनेट करके रखे मैं तो इन्हें बाद चो इन इन फ्राई करना मीठे मसाले बिच पा के इतने मैं बर्गर रखे ने फ्राई होने वास्ते चिमटा पता नहीं कितने गया है बन गए हूँ मैं बना लगी हाँ इन्होंने बर्गर बना लगी हाँ या टिक्कियां ਚਿਕਨ ਦਾਲ ਅਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਫਰਾਈ ਕਰ ਭਾਲ ਕੇ ਤਾਰ ਝੂੰਡੀ ਭਾਲ ਕੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਆਫ ਕੀਆ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਰੱਖ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੋ ਦੋ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੜੋ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਗਾ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لک سنت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقی کا افطرت. ہاں جی گائز ہم نے بنایا ہے آج کیا بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ تو کھولیں برگر روٹی اور پانی کھل گیا بابا آمین کھول رہی جی میں کھول رہی برش روک گی آج صبح کو آپ کو باہر کا ویو نہیں دکھایا گائز بارش ہو رہی ہے صبح کی لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ کافی دن ہو گیا نہیں دیکھا باہر کا ویو او ہو ٹھنڈ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے اچھا چلیں اوکے گائز روز سے تک کا نماز پڑھ کے پھر ملتے ہیں